हेलो दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करेंगे एक चाइनीज़ मूवी। मूवी का नाम है मिस्ट्री ऑफ म्यू द गार्जियन ऑफ द माउंटेन। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। मूवी रिलीज हुई थी 2021 में और इस मूवी की स्टोरी लाइन एंगेजिंग है, देखने पर मज़ा आएगा। और एक्शन मूवी में कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन जितना भी है देख करके मज़ा आता है। और स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त ग्रीफिंग है। बहुत छोटी सी ये फिल्म है, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा अननेसेसरी सीन हमें देखने नहीं मिलते हैं। हाँ, मूवी में काफ़ी अच्छे एडवेंचर सीन्स हमें देखने मिलते हैं। उनमें बहुत अच्छे VFX का काम भी हुआ है, जिससे कि विजुअल इफेक्ट काफ़ी अच्छे उभर कर सामने आते हैं हमारे। अगर आप सोच रहे होगे कि ये मूवी में आपको बहुत अच्छी अच्छी मिस्टीरियस चीज़ें देखने मिलेंगी, तो नहीं, आप यह गलत हो। मूवी में कोई ऐसा इम्पैक्टफुल मिस्ट्री हमें देखने नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन मूवी में कुछ बहुत अच्छे सीन्स हमें देखने मिलते हैं, जिसके लिए आपको एक बार ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। अगर बात करूँ एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे मूवी देखने में और भी ज़्यादा मज़ेदार लगती है। और इस फिल्म को आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। एकदम साफ सुथरी फिल्म है। बहुत कम शब्दों में इस मूवी का मैं रिव्यू करना चाहूँ तो सिर्फ ये कहूँगा कि बहुत कम समय में आप एक अच्छा एंटरटेनिंग डोज लेना चाहते हो तो इस फिल्म को मिस मत करना। लेकिन ठहरो जरा, मूवी की हिंदी डबिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि फिल्म को अभी अनऑफिशियल हिंदी डब में रिलीज़ किया गया है। मेरी एडवाइस मानो तो इस फिल्म को आप अभी मत देखो, इसको अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर लो। थोड़ा सा वेट करो, फिल्म को ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में आने दो, तभी आप इस फिल्म को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हो। वरना अगर आप अभी अनऑफिशियल हिंदी डब में इसको देख लोगे तो एक अच्छी फिल्म बर्बाद हो जाएगी। तो यार, थोड़ा सा वेट करो और फिल्म को ऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में आने दो, उसके बाद फिल्म को देखना, बहुत मजा आएगा। अभी के लिए अपने भाई को दो इजाजत, मिलते हैं किसी और मूवी के रिव्यू के लिए। तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।